नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 70 ए की सोसाइटी में तैनात सुरक्षा गार्ड की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां बीती 15 सितंबर को रात 8 बजे 14वीं मंजिल पर रहने वाला आरव ग्राउंड फ्लोर पर खेलने के लिए निकला था और लिफ्ट में आई तकनीकी खराबी के चलते लिफ्ट में फंस कर रह गया। जब आरव काफी देर तक घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसको ढूंढना शुरू किया और आरव को तीसरी मंजिल पर लिफ्ट में फंसे हुए पाया। मासूम के पिता राहुल यादव ने कहा कि मामले की शिकायत बिल्डर से लेकर सोसाइटी के गार्ड तक पुलिस को की गई, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई बिल्डर, सोसाइटी में तैनात गार्ड या अन्य लापरवाह लोगों के खिलाफ नहीं की गई है। सौरभ सिंह को, स्टेट मैनेजर को, हमने इसकी कंप्लेंट की कि ये एक्शन हो रहा है। निकालने से पहले कि सर क्या कर रहे हो, पासवर्ड तो दो, कहीं किडनैप तो नहीं हुआ बच्चा? बोले सर मैं पलवल में रहता हूँ, 80 किलोमीटर नहीं आ सकता। मैंने पासवर्ड दो, कोई रिस्पॉन्ड नहीं है, मैं देखता हूँ, कोई रिवर्ट नहीं आया। हमने पुलिस को कंप्लेन किया, SHO बादशाहपुर को, थाने को किया, उन्होंने एडिशनल SHO को भेजा, वो आए, पीछे से क्या फ़ोन आया वी डोंट नो, आए बोले कि बादशाहपुर थाने में आके कंप्लेन कर दो, बच्चा निकल गया ना, ठीक है ना, आके तो कंप्लेन कर दो, कोई एक्शन नहीं लिया। तो आपने कंप्लेंट की, अब तक कुछ नहीं हुआ? नहीं, मेरे पास कंप्लेंट की कॉपी पड़ी हुई है, डायरी नंबर भी है उसमें, इनका कोई रिवर्ट नहीं है, पुलिस का कोई रिवर्ट नहीं है हमारे पास, BD का कोई अभी तक जस्टिफिकेशन नहीं है कि क्यों डिले हुआ, क्या रीज़न था, इस पर क्या एक्शन प्लान है, कोई अपडेट नहीं आया। अब आप क्या चाहते हैं, क्या करने वाले हैं इसको लेकर? सर इनकी सर्विसेज, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये पहला इंसिडेंस है, हर अल्टरनेट डेज पे हर दूसरे दिन इनके साथ यही प्रॉब्लम होती है। अब लिफ्ट पुअर सर्विसेज नहीं, उस दिन से आज तक वो लिफ्ट चालू नहीं हुई है। हरियाणा गवर्नमेंट के लिफ्ट इंस्पेक्टर भी आए थे, उन्होंने भी चेक किया, वो लिफ्ट चालू नहीं थी। बाकी के लिफ्ट के निरीक्षण किए, जर्किंग बहुत है, लिफ्ट बोल रहे हैं ठीक है, इस कंडीशन में नहीं है कि लिफ्ट बहुत बुरी कंडीशन में, लेकिन इनकी ऑपरेशन और इनकी मेंटेनेंस में प्रॉब्लम है। इनके पास मैन पावर नहीं दे रहे हैं ये लोग, हमसे 3.25 का स्क्वायर फीट का पर स्क्वायर फीट का ले रहे हैं, लेकिन उसका हमें उसका 2% भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, ओके। वहीं लिफ्ट में फंसे 6 वर्षीय आरव से जब पूछा गया कि इमरजेंसी अलार्म क्यों नहीं बजाया, तो आरव ने बड़ी मासूमियत से जवाब देते हुए कहा, अंकल मेरे हाथ सुरक्षा अलार्म तक गया ही नहीं। वहीं आरव के माता पिता ने बताया कि जो गंभीरता सोसाइटी में तैनात सुरक्षा कर्मियों को दिखानी चाहिए वह नहीं दिखाई गई। लिफ्ट को बार बार चेकिंग किया जाता है, लेकिन यह गार्ड की लापरवाही थी कि जिसकी वजह से 6 साल के मासूम की जान 2.5 घंटे तक लिफ्ट में फंसी रही। बताओ क्या नाम आपका? मेरा नाम आरव यादव है, नमस्ते। कहाँ पे रहते हैं आप? मैं टावर 57 फ्लोर रूम नंबर 77 पे रहता हूं। अच्छा, 15th को क्या हुआ था? मैं लिफ्ट में फंस गया था। कैसे? लिफ्ट अटक गई थी। अच्छा, फिर आपने अलार्म नहीं बजाया उसमें? मेरी हाइट नहीं बोलती। फिर क्या किया आपने? कौन लोग आए थे बचाने? मेरे मम्मी पापा और बहुत सारे लोग। ठीक है बेटा, एक बार अपना नाम बता दीजिए आप। सर मेरा नाम अंकिता यादव है। और अंकिता जी, आपको कब पता लगा था कि बच्चा लिफ्ट में फंसा हुआ है और कैसे ये जद्दोजहद झेलनी पड़ी आपको, क्या बताएंगे? सर मुझे लिफ्ट में फंसा हुआ बच्चा, ये इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। ये तो हम सब जगह ढूंढ चुके थे, हर एक फ्लैट में, हर एक टावर में जाके हर एक फ्लैट में खटखटा चुके थे कि भाई इतने साल का बच्चा है, ये फ़ोटो दिखा दिखा के पूछे जा रहे थे कि ये बच्चा है क्या किसी के पास। जब किसी ने कुछ नहीं बताया, कहीं से कोई वो नहीं आया, तो दिमाग में आया ऐसे ही अचानक से, क्योंकि 7:30 बजे मैंने देखा था कि लिफ्ट बंद पड़ी हुई है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चा कहीं लिफ्ट में चला गया हो और वो लिफ्ट बंद हो गई हो। जब वहाँ गए, जब देखा तो लिफ्ट बंद पड़ी हुई थी, और जब हमने आवाज़ लगाई तो बच्चे ने अंदर से आवाज़ मारी, मम्मा मैं आऊँ। तो क्या सिचुएशन थी, कितना घबराया हुआ था बच्चा, और जो सोसाइटी के सुरक्षा गार्ड हैं इनका क्या कुछ बिहेवियर? सर वहाँ से कोई भी नहीं था, ठीक है, कोई भी यहाँ पे कोई भी फैसिलिटी से या फिर गार्ड वार्ड कुछ भी नहीं था यहाँ पे। वो आए अपना देख के और चले गए। उनका सिर्फ सिंपल सा वे था कि भाई बच्चा निकल गया ना। उनका कोई रिएक्शन नहीं था कि 3-3.5 घंटा बच्चा फंसा हुआ था, लिफ्ट खराब थी, बच्चा फंसा हुआ था, कोई भी फंस सकता है लिफ्ट में, ठीक है। अभी एक हफ्ता पहले और 3 बच्चे टावर नंबर 8 के लिफ्ट में फंसे हुए थे, ठीक है, सेम सिचुएशन ऐसी ही थी, लेकिन वहाँ से भी कोई रिएक्शन नहीं था, ठीक है। हमने SHO साहब को यहाँ पे कंप्लेंट डाली, पुलिस को बुलाया, पुलिस वाले ने बोला जी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है ना, इस तरह की प्रॉब्लम, तो हमारे कमिश्नर ऑफिस में आके आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, वहीं आना पड़ेगा। उन्होंने अपने हाथ जोड़े और उनसे एक SHO साहब से हम जो है उनसे एक किसी यहाँ पे किसी भी एक बंदे को, यहाँ तक कि एक गार्ड को भी बुला के नहीं पूछा गया कि हाँ बताओ भाई सिचुएशन क्या थी, क्या प्रॉब्लम हो रही थी। उन्होंने अपने हाथ जोड़े, जब पब्लिक गुस्से में आई तो उन्होंने और 4-5 लोगों की फोर्स बुला ली अपनी कि कहीं हमें पीटना ना शुरू कर दे यहाँ की पब्लिक।
वहीं घटना को 3 दिन बीत जाने के बावजूद भी निजी बिल्डर ने सोसाइटी की लिफ्ट को ठीक नहीं करवाया है, जिसकी वजह से सोसाइटी में रहने वाले बच्चे, बुजुर्गों और महिलाओं को खासी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।